हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं पैटर्न रीड कर रहे हैं साइंस के पेपर का, 2019 सैंपल पेपर का और 2018 में जो पेपर आया था उसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्प करेगी कि कैसे आपको आगे तैयारी करनी है। एग्जाम की डेट आ चुकी है, ठीक है, 7 मार्च से आपके एग्जाम है, तो डेट आ चुकी है। तो मैंने पेपर आपको जो रीड करके आपको बताया है कि पैटर्न क्या है पेपर का, ठीक है, यानी साइंस का जो 2019 में बोर्ड का पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होगा स्टूडेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि 2018 से आपको क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। बहुत अच्छी वीडियो है स्टूडेंट्स, पूरी देखिए इसको। चलिए 2018 से स्टार्ट करते हैं। 2018 का जो पेपर आया था बोर्ड का साइंस का, उसमें आपके पास दो सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर आपके पास थे 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का और 5 नंबर का, ये था आपके सेक्शन ए के अंदर। और सेक्शन बी जो प्रैक्टिकल स्किल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर के, वो थे सेक्शन बी के अंदर। तो पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2018 का पेपर। ओके स्टूडेंट्स, 2018 में ये रहा सेक्शन ए स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन ए, जिसमें जो ये एक मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं थी आपके पास, कोई इंटरनल चॉइस नहीं थी कि क्वेश्चन में आपको अगर फर्स्ट वाला पार्ट नहीं आ रहा तो सेकंड वाला कर लीजिए, या सेकंड वाला नहीं आ रहा तो फर्स्ट वाला कर लीजिए। सेक्शन ए के अंदर आपके पास कोई जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है। वहीं अपन सैंपल पेपर 2019, ये सैंपल पेपर है सीबीएसई का, 2019 का, उसमें आप देखें तो यहाँ भी सेक्शन ए में आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है इस बार भी, ठीक है। अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कोई दूसरे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो 2019 का जो पेपर आएगा इसमें आपके पास 5 सेक्शन मिलेंगे आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ठीक है। जो सेक्शन ए होगा वो 1 नंबर का होगा, सेक्शन बी 2 नंबर का, सेक्शन सी 3 मार्क्स का, सेक्शन डी 5 मार्क्स का और सेक्शन ई जो प्रैक्टिकल स्किल्स आता है वो होगा 2 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है 1 नंबर के मार्क्स में, इधर 2018 में भी कोई चॉइस नहीं थी और अभी भी कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता था, ठीक है, 2 नंबर के जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में, उसमें भी आपको कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है। जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आया था आपके पास उसमें भी आपके पास कोई चॉइस नहीं थी 2018 के अंदर, ठीक है। बट इस बार आपको ये एडवांटेज हो गया स्टूडेंट, इस बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक चॉइस तो मिलेगी क्वेश्चन नंबर 5 में, कि अगर 2 मार्क्स ऊपर वाला पार्ट नहीं आता क्वेश्चन नंबर 5 में तो सेकंड वाला पार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो एक चॉइस आपको यहाँ मिलेगी क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इस बार 2019 के अंदर आपको एक चॉइस मिलेगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज बात है कि अगर 2 नंबर का ऊपर वाला पार्ट नहीं आता तो सेकंड वाला तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 2 नंबर की बात हो गई, अब अपन आगे बात करते हैं 3 नंबर की। ओके स्टूडेंट, 3 नंबर में आपको 2018 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में एक चॉइस आया था, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आया था सेकंड चॉइस, यानी 2 चॉइस, और 1 चॉइस आया था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में, यानी टोटल मिला के आपके पास 3 चॉइसेस आए थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने चॉइसेस आए थे 2018 के अंदर? 3, ठीक है। तो 3 चॉइसेस आपको मिले थे। इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, क्या एडवांटेज आपको दिया या डिसएडवांटेज दिया है देखते हैं, ठीक है। इस बार आपको जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी आपको 3 चॉइसेस दिए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको एक चॉइस मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक चॉइस मिलेगा, और एक क्वेश्चन नंबर 11 में मिलेगा, और एक चॉइस आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर स्टूडेंट। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपको यहाँ पे भी 3 चॉइसेस दी हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलो ये हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात। अब अपन बात करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। 5 मार्क्स में आपको 2018 के अंदर 2 चॉइसेस दी गई थी स्टूडेंट्स, एक चॉइस तो आपको दी थी क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर चॉइसेस दी थी एक तो आपको, और दूसरी चॉइस आपको दी थी क्वेश्चन नंबर 20 में, यहाँ 20 में दूसरी चॉइस आपको दी थी, यानी जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें टोटल आपको कितनी चॉइस मिली थी, 2 चॉइसेस, 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 चॉइसेस मिली थी, किसके अंदर,
2018 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में, लेकिन इस बार जो सैंपल पेपर आया है, जो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, उसमें स्टूडेंट्स आपको एक चॉइस मिलेगी क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको चॉइस मिलेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। और दूसरी आपको चॉइस मिलेगी नाइनटीन के अंदर, ओके स्टूडेंट। और तीसरी चॉइस मिलेगी आपको क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 में भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी 3 choices, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी इस बार आपको 3 choices मिल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा एडवांटेज की बात है आपके लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है, किसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं आता है, तो सेकेंड पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ये बहुत ही आपके लिए एडवांटेज की बात है। इसी के हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद अपन लास्ट बात करें, जो कि 2018 में सेक्शन बी था, दो मार्क्स का प्रैक्टिकल स्किल्स वाला जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स वाला क्वेश्चन था। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको दिए गए थे टोटल 1 choice, जो प्रैक्टिकल स्किल वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको सिर्फ एक ही चॉइस दिया गया था इस क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, ओके स्टूडेंट्स। 25 में आपको एक ही चॉइस दिया था 2018 के अंदर, लेकिन इस बार आपको 2019 में सेक्शन ई, यानी आपको 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल स्किल्स वाला आता है, उसमें भी 2 choice मिलेंगी स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें भी 2 choice मिलेंगी। बहुत ही आपके लिए एडवांटेज की बात है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, इस बार पैटर्न क्या है, सॉरी दो नहीं थ्री थ्री चॉइस मिलेगी सॉरी सॉरी 3 choice मिलेगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एक 27 वाला क्वेश्चन पीछे था। तो इस बार जो आपको 2019 में जो आपको पेपर आ रहा है, वो टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी डी ई, ए पार्ट 1 मार्क्स का, दो बी पार्ट जो सेक्शन बी है वो 2 मार्क्स का, सेक्शन सी 3 मार्क्स का, सेक्शन डी 5 मार्क्स का, और सेक्शन ई प्रैक्टिकल स्किल्स 2 मार्क्स का, ठीक है। और इस बार जो टोटल चॉइसेस आपको मिलेंगी आपके पेपर के अंदर, वो मिलेंगी 10 choices। 2019 के बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा उसमें आपको 10 चॉइसेस मिलेंगे स्टूडेंट्स, और लास्ट ईयर 2018 में कितने चॉइसेस मिली थी, ओनली 6 choices मिली थी स्टूडेंट्स, ओनली 6 choices। मैं आपको बता देता हूँ, 2018 में एक मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें कोई चॉइस नहीं मिली थी, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें कोई चॉइस नहीं मिली थी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 choice मिली थी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 choice मिली थी, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 choice मिली थी, यानी टोटल 6 choices आपको उसके अंदर मिली थी, किसमें, 2018 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में। लेकिन इस बार जो 2019 का सीबीएसई का सैंपल पेपर आया, उसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, बी मार्क्स के क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स का उसमें 1 choice मिलेगी आपको, सेक्शन सी जो 3 मार्क्स का है उसमें 3 choices मिलेगी, सेक्शन डी 5 मार्क्स का है 3 choices मिलेंगी, और सेक्शन ई 2 मार्क्स का है 3 choices मिलेंगी। तो टोटल आपको चॉइसेस मिलेंगे स्टूडेंट्स 10। तो बहुत ही आपके लिए एडवांटेज की बात है, इस बार आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास अच्छे नंबर लेके आने का और अच्छी परसेंटेज बनाने का, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट क्लासेस के वीडियोस देखते रहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।